क्या इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रॉफिटेबल है इंडिया में? तो चलिए आइए जानते हैं कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में वो कौन से कंपोनेंट्स है जिसको असेंबल करके आप अपने फार्म को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें क्रॉप्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फार्म बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब मुर्गियाँ, डक्स, ये सब, और इसके साथ फिशेस भी होते हैं। और यही कंपोनेंट्स के आपसी जो कोरिलेशन है आपके अपने फार्म को ज्यादा से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करने में मदद करती है। तो अगर आप इस टाइप के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल देखना चाहते हो तो आप अपने नियरेस्ट जो कृषि विभाग है उनसे जाके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर आपके जो नियरेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर से जाके इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा कर सकते हो। हालांकि वो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इसका मॉडल ज़्यादातर केस में विंटर में अच्छे से तैयार करके रखते हैं। तो अगर ये आपको देखने जाना है तो आप इनसे चर्चा मशवरा करके फार्म विजिट के लिए जा सकते हैं। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। बाय द वे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा पंगा है वो ये है कि ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल है वो एकेडमिक्स वाले, यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने बनाया है जिनका ज़्यादातर मार्केट से कोई रिलेशन नहीं होता है। इसी के चलते ये प्रोडक्शन वाइज, साइंस वाइज, लॉजिकल वाइज परफेक्ट तो है, बट कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग के हिसाब से ये फिट नहीं बैठता। मार्केट के डिमांड और सप्लाई के साइंस को ये समझ नहीं पाता है। इसलिए देखेंगे ज़्यादातर इंडिया में जो किसान है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपने खेत में ज़्यादातर केसेस में यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी के चलते वही उगाओ जो कस्टमर को चाहिए और जो चाहिए वो रेगुलर वे में दो, ताकि आपके भी रेगुलर वे में अपने फार्मिंग के मॉडल से कमाई होती रहे। तो आई होप बहुत ही कम समय में और बहुत क्विकली मैंने आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFSB इसको बोलते हैं, इस चीज़ को आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखा दिया। और इसी के चलते इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को आपको कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग के साथ जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग क्या होता है? कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग होता है कि भैया मार्केट को क्या चाहिए, क्या वो जो डिमांड है वो सीजनल है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपको ये समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब रेगुलरिटी उसमें है कि नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और अगले 6 महीने तक बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी सेम तरीके से आपके फार्म के प्रोडक्शन का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और हम आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप डिमांड एंड सप्लाई के साइंस को सीखते हुए कैसे आप अपने ही एक खेत से वो सारे किचन में लगने वाला 80% सामान है, जैसे फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स, आप एक पोर्टफोलियो बास्केट में प्रोड्यूस करो। मतलब वैरायटी, अवेलेबिलिटी, ऑप्शंस, न्यूनेस, सरप्राइजेस होने चाहिए उस पोर्टफोलियो बास्केट प्रोडक्शन में, और उसमें कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई आप देते रहो। कैसे? छोटे छोटे क्वांटिटी में हर एक चीज़ आप अपने पोर्टफोलियो में उगा सको, और ये आप अपने एक खेत में कितने परिवार को खिला सकते हैं इसका कैलकुलेशन जिस दिन आपके पास आ गया, उस दिन आप रियल सेंस में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को एक कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग के साथ क्लब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग से आप कमा भी सकते हो। तो आप इसके लिए किसान बिजनेस क्लिनिक का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सीडिंग से लेके सेलिंग तक, मैनेजमेंट से लेके मार्केटिंग तक, हर एक चीज़ को किस तरीके से एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलाई जा सके, ताकि आप अपने फार्म पे एक रेगुलर वे में सस्टेनेबल तरीके से इनकम पूरे साल भर कमाते रह सको। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ही कीजिए जिनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में और जानना है बट उनको ये नहीं पता कि इसको प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस के तरीके से कैसे रन किया जाए अपने फार्म पे। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।